देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुझे पता है आप कौन हो। कौन आप भी हैं? मैजिक वाले अंकल। मैजिशियन? हाँ मैजिशियन। पर हम कैसे माने? इससे आपको बताना पड़ेगा कि आप ही हो मैजिशियन अंकल। कैसे? वो मैं बताती हूँ। मुझे ना एक बास्केटबॉल दो। बास्केटबॉल? हाँ हाँ अभी देते हैं। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। मुझे एक नेट दो। वो जो आता है ना बास्केटबॉल का नेट। हाँ, हाँ। ले आते हैं अभी नेट ले आते हैं। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। अरे वाह हरी खुशी बेटा, अब तो बॉल भी आ गई और नेट भी आ गई। आप बताओ क्या करना है आगे? करना क्या है दीदा, खेलना है। हम सब खेलेंगे बास्केटबॉल। क्या आपको बास्केटबॉल खेलनी? यहाँ कैसे खेल सकती हो बेटा, इतनी छोटी सी जगह है। नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। क्यों नहीं खेल सकते, बच्चे ही तो है। मिनी बास्केटबॉल की तरह खेल लेंगे, ठीक है? नहीं सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम सब खेलेंगे। दो दो लोग करके खेलेंगे, सबको मौका मिलेगा, तो टीम बनाए। लेकिन टीम तुम? मैं पार्वती की टीम में और दादी और बड़ी मम्मी आप शिव की टीम में और दीदा आप हमारी टीम में। और मैं किसकी टीम में हूँ? आप ये नेट पकड़ के टेबल पे खड़े रहना। दीवार में नहीं लग सकता ना। और मीरा आंटी आप हमारी रेफरी बनोगी, आप बताओगी कि कौन सी टीम जीती। और अब आधे बच्चे शिव की टीम में और आधे बच्चे हमारी टीम में। ए, सुन तू मैजिशियन नहीं है हा? मैंने तो अपने असिस्टेंट को बुलाया था, तू कौन? वो मेरा दोस्त है। वो बीमार था तो उसने मुझे भेज दिया तुम्हारी मदद करने के लिए। गेम शुरू करें। आर यू ऑल रेडी? लेट्स गो फॉर इट। गो कसौली टाइगर्स। ये खुशी क्या कर रही है, इसे बास्केटबॉल ही क्यों चाहिए थी? पापा ड्रेसिंग रूम में लड़कियों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, वो भी नेट के बिना। तब आपकी मम्मा ने पापा को पहली बार देखा। ओह अब समझी मैं। अरे पर पागल लड़की, वो तो झूठ था। No, don't miss it. Now be careful. This is the last and final round. Yay! सुनो सुनो सुनो,
जिसकी टीम में से टीम मेंबर नेट में बॉल डाल देगा वो जीत जाएगी। रणबीर, तू ये रणबीर से गलती हुई है, मैं कह रही हूँ ना, ये भूल गया था, ये भूल से सामने वाली टीम की हेल्प कर रहा है। हाँ, भूल गया था कि हमारी टीम है रणबीर। हाँ, I'm sorry, मेरी गलती है रेफरी जी, मुझसे गलती हो गई, पर देखिए जो मैंने किया उससे प्राची जीती, और अगर प्राची जीती तो ऑटोमेटिकली हमारी बर्थडे गर्ल खुशी जीती ना। बर्थडे गर्ल जीत गई, और आखिर तो बर्थडे गर्ल का ही हैप्पी बर्थडे ना। मुझे पता है आप मुझे हारते नहीं देख सकते ना। ना, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं प्राची को भी हारते हुए नहीं देख सकता। शिव पार्वती को गेम में हारते हुए नहीं देख सकते। मैं केक लेकर आती हूँ, ठीक है? शिव पार्वती को हारते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें मिलाने की कोशिश कर रहा है? पर क्यों नहीं, ऐसा लग रहा है कि सब अपने आप हो रहा है, पर एट द सेम टाइम ये भी लग रहा है कि कोई हमें मिलाने की कोशिश कर रहा है। प्राची, 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 इट्स ओके, इट्स ओके, क्या हुआ? रुको, मैं हटा देता हूँ, इट्स ओके, क्या हुआ? आर यू ओके? इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स। क्या हुआ बताओ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरा गला दबाने की कोशिश? गला दबाने की कोशिश? कौन कौन यहाँ पे? तो एक सेकंड रुको, प्राची यहाँ कोई नहीं। इतना अच्छा मौका था
हाथ में आकर भी नहीं मार पाया। तुम ठीक हो ना? नहीं पता नहीं, मैं अभी यहाँ आई थी, यहाँ बैठी थी। हाँ? जैसे इतनी हवा चल रही ना बाहर, वो पर्दा बार बार आ रहा था तो मैं हटा रही थी, दोबारा आया तो वो मैं बाहर नहीं निकल पा रही, मैं उसमें उलझती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है पर्दे के साथ, पता नहीं क्यों, शायद ऐसा ना हो पर मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मैं निकल नहीं पा रही थी, मैं वो उलझती जा रही थी, पता नहीं क्यों मेरा दम घुट रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं डर गई थी। रणबीर आई नो बट इट्स ओके, कभी कोई नहीं रहा यहां पे, तो भी कुछ नहीं हुआ। ओके अभी सब कुछ ठीक है, ऑलराइट जस्ट काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, एवरीथिंग इज ओके। ओके तुम मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ चलो, कम कम इट्स ओके, रिलैक्स। देखो इनका प्यार, काश इनके जैसा प्यार मुझे भी मिला होता, पर आज इनका प्यार खत्म, क्योंकि आज रात ये मरने वाली है। मैं जादूगर टिंडा टिंडी गोगो इस रोज को गायब करके दिखाऊंगा जादू से, देखना है बच्चों, तो बजाओ ताली। गिली गिली गो, वन टू का फोर, गिली गिली गो, वन टू का फोर। अब मैं जरा प्राची की हेल्प करके आती हूँ। हाँ, ठीक। नहीं आप नहीं जाओगे, आप ना डांस करोगे। हाँ ठीक। क्या डांस? और मैं? हाँ आप डांस करोगे, आप बहुत अच्छा डांस करते हो ना। आपको किसने बोला ये? मुझे तो डांस आता ही नहीं है, आई कांट डांस। आप झूठ बोल रहे हो ना, मैंने सुना आप बहुत अच्छा डांस करते हो। बहुत अच्छा डांस करती थी, अब नहीं बेटा, अब कहाँ डांस आता है मुझे, मैं डांस नहीं कर सकती। अरे आप कितना अच्छा डांस करते हो, आज अंकल लिए ना इसलिए आप डांस नहीं कर रहे हो, आप उनके सामने डांस करते हो ना। शाना तू ना पीटेगी मुझसे। मैं ना शाना के साथ हूँ, सच तो कह रही है, कितना अच्छा डांस करती है तू, और अभी क्यों नहीं कर रही है? जानती हूँ मैं, विक्रम होता ना अभी यहाँ तो पक्का करती। क्या मम्मी जी आप बच्चों के सामने क्या बोल रही हैं? पल्लवी अगर मुझसे कोई ऐसी मिन्नतें करता ना तो मैं तो फौरन डांस करने लगती। मैं खुशी के लिए करो ना, आज उसका जन्मदिन है। दादी मैं कब कर ले ना, प्लीज। नहीं मैं कर ले पल्लवी, प्लीज ना कर ले। ठीक है बाबा, ठीक है ओके। खुशी की खुशी के लिए तो डांस करना ही पड़ेगा। क्या दादी आपने तो इमोशनल कर दिया। अच्छा बच्चों इतना जल्दी सब लोगों, आपको पता है मेरी ना अभी बड़ी मम्मा डांस करने वाली है। अब चलो बच्चों लोग, अभी कौन कौन पॉपकॉर्न खाएगा आंटी को डांस करते हुए देखते। हम तो सिर्फ चॉकलेट ही खाएंगे और डांस करेंगे। ठीक है बाबा, ऑल राइट। तो हमारी खुशी के लिए कोई बढ़िया सा गाना लगाया जाए, कम ऑन। देख क्या रे, जल्दी से गाना लगा। यस अभी लगाए। अभी अभी आंखों ने सीखा मटकना, अभी अभी दांतों ने सीखा चमकना, लगता है जैसे अभी अभी इस दिल ने सीखा दिल से हंसना, अभी अभी बालों ने सीखा है खुलना, अभी अभी दागों ने सीखा है धुलना, लगता है जैसे अभी अभी इस दिल ने सीखा दिल से हंसना। खुशी बहुत बहुत बहुत, और अब तो मैंने ये भी देख लिया कि आप कितना अच्छा डांस करते हो। थैंक यू सो मच। अच्छा जब तक प्राची आपका केक लेकर नहीं आ जाती, हम
थोड़ा सा मैजिक और देखे बच्चे लोग। ऐसे क्या देख रहे? ऐसे नहीं देख रहा मैं, मतलब हाँ तुम्हें देख रहा हूँ, पर मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा सारा काम तो हो गया है, तो तुम टाइम पास क्यों कर रही हो? टाइम पास? ये बच्चों के लिए लेने आई थी मैं, टाइम पास नहीं कर रही, काम है मेरे पास। ये तो पहले भी कर सकती थी, लास्ट मोमेंट पे क्यों कर रही हो? बच्चों को देखा कैसे बेचारे भूखे घूम रहे हैं, पहले हो सकता था, मतलब आई थिंक आई एम जस्ट सेइंग, मतलब just saying. Don't say anything. और मैंने तुम्हें यहाँ मदद के लिए नहीं बुलाया, तो तुम जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे ही यहाँ पे हूँ। तुम अपना काम करो ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चुपचाप। हाँ। तुम? Of course. Possible ही नहीं है। तुम यहाँ रहोगे ना, तुम चिक 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 करके ना मुझे परेशान करोगे। तुम इसलिए जाओ यहाँ से। मैं नहीं करूँगा तुम्हें परेशान। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम अपना काम करो, मैं चुपचाप तुम्हें देखूंगा। करो प्लीज। क्या हो गया? अब तुम अपना काम करो ना, अब तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। अब बच्चे बेचारे भूखे हैं, तुम्हें देना नहीं उनको। करो काम करो। पता नहीं क्यों प्यास लग रही है। पता नहीं क्यों? मैं बताता हूँ, इतना बोलोगी तो प्यास लगेगी। लाओ लाओ लाओ। इसीलिए कही थी तुम जाओ यहाँ से। ये लो। कितना पानी पीते हो तुम? तुम अब भी यही हो गए? नहीं तो क्या हो गया? मैं यहाँ पे रह नहीं सकता क्या? नहीं नहीं, तुम यही रहो। तुम क्यों जाओगे? तुम यही रहो। क्या है ना, ये मेरा घर है, ये अनसेफ जगह है, क्या पता मुझे उठाकर लेकर जाए, है ना? मैं बहुत अनसेफ हूँ यहाँ पे, मुझे कोई किडनैप भी कर सकता है। तुम मत जाओ, तुम यही रहो। तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल सही हो गई। एक काम करते ना, पहले की तरह काम करते हैं, दोनों शांत, थोड़ा आराम। शांत? तुम्हारे होते हुए किसी की लाइफ में शांति कैसे हो सकती है रणबीर कोहली? हम ना बातें करते हैं। तुम रहने दो, मैं जाता हूँ, तुम चिल करो ना। नहीं, 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 क्यों? एक काम करते हैं, हम ना यहाँ बातें करते हैं। बातें क्या? मैं तो कहती हूँ लड़ाई करते, पहले की तरफ बड़ा मजा आएगा। तुम लड़ो, मैं लड़ूंगी, एक दूसरे की बाल नोच लेते, ठीक है? प्राची, माँ बाप बन गए, हमें सब शोभा नहीं देता करना। तुम कर लो आराम से काम, मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर जाओ, बच्चे बाहर। पहचाना नहीं। अलबीरा, तुम जाओ यहाँ से। अलबीरा जाओ, मैं चिल्लाऊंगी ये से। इसे यहाँ से बाहर लेके जाना होगा, पर ऐसे नहीं ले जा पाऊंगा, किसी चीज में छुपा के लेके जाना होगा। आइडिया, इसे कार्टन में डाल के लेके जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पहले इसे यहाँ से कहीं छुपा दूँ।
हाय हाय खाया जा रहा है मतलब मतलब तुम्हारे हलक से ये चॉकलेट नीचे जा पा रही है तुम्हें डर नहीं लग रहा है डर किससे तुम्हें बताना पड़ेगा क्या ये जो इतने सारे बच्चे हैं ये सारे बच्चों की चॉकलेट यहाँ रखी थी और तुमने सारे बच्चों की चॉकलेट खा ली हाँ तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर मेरे साथ हो रहा तो मुझे तो बहुत डर लगता अरे मैंने उन बच्चों के लिए चॉकलेट थोड़ी सी पहले ही निकाल के रखती है इतनी सी ये तुमने बच्चों के लिए बचाई और ये सारी खुद खा रहे हो तुम आज भी नहीं बदली बिल्कुल वैसी हो एकदम बदमाश पर तुमसे कम नहीं अब आई मिस्ड यू पर मुझसे कम मतलब जितना मिस मैंने तुमको कहना होता तो मैंने किसी को मिस नहीं किया और तुमने ही मुझे नहीं किया ट्रस्ट मी और मिस कैसे नहीं करता एक तुम ही तो इतनी पागल हो मेरी लाइफ में इतना कोई पागल मिला नहीं आज तक मुझे देखो ये वाली क्या कर रहे हो वो मुझे बोला गया था ये डब्बा अंदर रखने के लिए किसने बोला है वो मैडम है ना उनका नाम याद नहीं है मुझे लेकिन उन्होंने बोला ये डब्बा अंदर रखना है जादूगर अंकल हमें जादू दिखाओ ना चलो